28 अक्टूबर साल 2002 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन वर्ष 1892 में पेरिस के ग्रिविन संग्रहालय में चार्ल्स एमिल रेनॉट के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। इस दिन की घोषणा साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ASIFA ने की, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। आज का दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों के बारे में बताता है। इसके साथ ही यह दिन एनिमेटेड आर्ट के पीछे कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को भी पहचानने के लिए मनाया जाता है। 28 अक्टूबर साल 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। इस मूर्ति को फ्रांस के लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। यह प्रतिमा अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले अप्रवासियों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 28 अक्टूबर साल 1867 को मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का जन्म ब्रिटेन में हुआ। वे भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्वामी विवेकानंद के शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुईं, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाई। उन्हें उनके गुरु ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। सिस्टर निवेदिता ने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।